आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello everyone, the question is, the bar chart given below shows the number of cars sold by brand A and B for the year 2008 to 16. In which year from 2008 to 16 the combined sales of brand A and B is maximum? देखिए हम इसको यहाँ पर ऐड करते हैं। अगर हम बात करें तो हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, 8, 9, 12 और 16। ये हमारे फोर ऑप्शंस हैं, तो इन्हीं में से कोई एक होगा जो सही होगा, एक होगा जो मैक्सिमम होगा। तो हम 2008 के लिए, 2009 के लिए, 2012 और 2016 के लिए जो है ए और बी की वैल्यूज को लिखते हैं और उनका टोटल करते हैं, सम करते हैं। अगर 8 के लिए देखें तो ए जो है वो 1050 है और बी जो है वो है 1720। इसको ऐड करें तो 0 से 0 आएगा, 2 एंड 5 इज 7 एंड 7 एंड 0 इज 7 एंड 11 इज 2, सो 2770। 2009 की बात करें तो 1150 प्लस 1840 ऐड करें तो 0 का 0 आएगा, 549 819 एंड दिस इज 2। 2012 की बात करें तो 1250 प्लस 1520, इसको ऐड कीजिए तो 0, 527 527 एंड 2, 2770। 16 की अगर हम बात करें तो 1150 प्लस 850, इसको ऐड करें तो 0 0 आएगा, 5510 1 कैरी, 819110 1 कैरी एंड 112, ये आ जाएगा 2000। तो अगर हम इन सब में देखें तो हमारी जो वैल्यू है वो 2009 में जाता है, तो ऑब्वियसली 2009 जो होगा वहाँ पर कंबाइन सेल जो होगी वो मैक्सिमम होगी ब्रांड ए और बी की। तो हमारा जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज 2009, यही सही होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।